दोस्तों, मैं जीके सैनी, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली जीके में स्वागत है। आज हम देखेंगे रिट फर्स्ट लेवल सेकेंड राजस्थान पुलिस एसआई के लिए महत्वपूर्ण भाग राजस्थान जीका का भाग नंबर 19। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। कोही कोलिहान तांबा खान कहाँ पर स्थित हैं? तो राजस्थान के अंदर स्थित हैं। राजस्थान स्टेट माइंस व मिनरल लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। और इसका कार्यालय पूछे तो कार्यालय है जयपुर के अंदर है। अगला सवाल, किस स्थान पर ऑयल इंडिया की राजस्थान में इकाई की शुरुआत होने वाली है? बीकानेर के अंदर है। और बीकानेर के अंदर रिफाइनरी भी लगाई जा रही है, जैतून रिफाइनरी लूणकरणसर बीकानेर। और बीकानेर राती घाटी के नाम से जाना जाता है। बीकानेर की स्थापना राव बीकार राठौड़ ने की थी। अगला सवाल, राजस्थान उच्च विकास अभिकरण रेडा REDA की स्थापना कब हुई? तो 1985 के अंदर हुई थी। अगला सवाल, राजस्थान सोलर विकास सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? ये 2014 के अंदर हुआ था, जयपुर के अंदर हुआ था। और डेट पूछ ले तो 14 दिसंबर थी। इसकी डेट कितनी थी? 14 दिसंबर 2014, जयपुर। अगला सवाल, बायोटेक वैली कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। अगला सवाल, तरल हिंग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ को राधा नगरी के नाम से जाना जाता है। आपको आज का सवाल ये बताना है कि प्रतापगढ़ किस क्षेत्र के अंदर, किस भूभाग के अंदर रहते हैं? राजस्थान को 4 भूभागों के अंदर बांटा गया है, तो इसके अंदर प्रतापगढ़ किस भूभाग का जिला है? अगला सवाल, राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? 1964 के अंदर की। मैं इसके बारे में कुछ बता रहा हूँ। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1964 के अंदर हुई थी। इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। लेकिन ऐसा पूछ ले कि राजस्थान में पहली राजकीय बस कब शुरू की गई थी और कहाँ से शुरू की गई थी? राजकीय बस सेवा शुरू टोंक रियासत से की गई थी। 1952 के अंदर सर्वप्रथम शुरू की गई थी, टोंक रियासत 1952। अगला सवाल, राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? अजमेर के अंदर बिनाई अजमेर से हुई थी। 1904 के अंदर बिनाई अजमेर से शुरू की गई थी और उसके बाद में 1915 के अंदर भरतपुर रियासत में शुरू की गई थी। अगला सवाल, राजस्थान में हाथरसी ख्याल किस नाम से जानी जाती है? नौटंकी से ना जाती। और नौटंकी सबसे ज़्यादा नौटंकी भरतपुर की प्रसिद्ध है। और राज्य पूछ ले तो नौटंकी यूपी उत्तर प्रदेश, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध है। और यूपी की राजधानी आपको हमें कमेंट के जरिए बताना है। अगला सवाल, टूटिया क्या है? एक विवाह की रस्म है। जब दूल्हे की बारात घर से निकल जाती है उसके बाद में घर की स्त्रियां वही पीछे जो रस्म करती हैं उसे टूटिया कहते हैं। अगला सवाल, प्रेम एवं श्रृंगार परक रचना क्या कहलाती है? रास कहलाती है। रास कृष्ण लीला की रास है। रास किसे कहते हैं? कृष्ण लीला की रास, रामलीला की रास। अगला सवाल, चंद्र प्रभु का मेला कहाँ लगता है? तिजहरा अलवर में स्थित है। ये जैन संप्रदाय से संबंधित है। तिजहरा कहाँ है? अलवर के अंदर स्थित है। अगला सवाल, पुष्कर मेला किस माह में लगता है? दोस्तों, अगर हिंदी माह पूछे तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, अंग्रेजी माह पूछे तो नवंबर माह में लगता है। ये बहुत बार सवाल आ रखा है, नवंबर माह। कौन सा माह? नवंबर माह। अगला सवाल, देव बाबा काबिंदर का है नगला जाज भरतपुर के अंदर। देव बाबा नगला जाज भरतपुर के अंदर स्थित है। आज के दो सवाल कमेंट के जरिए आपको आंसर देना है। पहला, प्रतापगढ़ किस भूभाग का मैदान है? और उसके बाद में एक और सवाल पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें,
शेयर करें और हमेशा नोटिफिकेशन के लिए हमारे